नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब सड्डा में, जहां आपको मिलता है जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग और आंसर की से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन। आज का यह वीडियो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाली है उसके बारे में है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, सैलरी, इम्पॉर्टेंट डेट्स और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड सारे डिटेल्स बताऊंगा। आगे हम वैकेंसी की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए यह 296 है, जिसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी का 123 पोस्ट, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी बॉयलर ऑपरेशन का 53 पोस्ट, माइनिंग फॉरमैन का 14 पोस्ट, माइनिंग मेट का 30 पोस्ट, सर्वेयर का 4 पोस्ट, जूनियर स्टाफ नर्स का 21 पोस्ट, फार्मासिस्ट का 7 पोस्ट, सब फायर स्टेशन ऑफिसर का 8 पोस्ट और फायर इंजन ड्राइवर का 36 पोस्ट है। अगर आपको इस पोस्ट की डिटेल मैट्रिक्स देखनी है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जिसकी डाउनलोड लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी पोस्ट के लिए आप मैट्रिक पास हों और आपके पास त्रिवर्षीय डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में रिलेवेंट डिसिप्लिन से 50% मार्क्स के साथ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए और 40% मार्क्स एससी, एसटी और पीएच के लिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी बॉयलर ऑपरेशन पोस्ट के लिए आप मैट्रिक पास हो और 2 साल का आईटीआई किया हो रिलेवेंट ट्रेड में फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ, या फिर सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट हो मान्यता प्राप्त संस्था से। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए आप मैट्रिक पास हो और आईटीआई किया हो रिलेवेंट ट्रेड से। ड्रिल ऑपरेटर पोस्ट के लिए मैट्रिक पास हो आप और आईटीआई किया हो रिलेवेंट ट्रेड से और हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास और ड्रिल ऑपरेशन का 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। हर्थमैन पोस्ट के लिए आप मैट्रिक पास हो और आईटीआई किया हो आपने किसी भी डिसिप्लिन से। माइनिंग फॉरमैन पोस्ट के लिए आपने मैट्रिक पास किया हो और डिप्लोमा किया हो माइनिंग इंजीनियरिंग में, आपके पास माइनिंग फॉरमैन का सर्टिफिकेट हो 50% मार्क्स के साथ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए और 40% मार्क्स एससी, एसटी और पीएच के लिए, और आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो। माइनिंग मेट पोस्ट के लिए आप मैट्रिक पास हो और माइनिंग मेट सर्टिफिकेट और कॉम्पिटेंसी हो आपके पास और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो। सर्वेयर पोस्ट के लिए आप मैट्रिक पास हो और डिप्लोमा किया हो माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में और आपके पास माइन सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी हो 50% मार्क्स के साथ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए और 40% मार्क्स एससी, एसटी और पीएच के लिए, और आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो। सब फायर स्टेशन ऑफिसर पोस्ट के लिए आप ग्रेजुएट हो और आपने सब ऑफिसर कोर्स किया हो एनएफएससी नागपुर से, या फिर ग्रेजुएटशिप एग्जाम पास किया हो इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर से 50% मार्क्स के साथ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी एसटी के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए और आपके पास हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस हो। फायर इंजन ड्राइवर पोस्ट के लिए मैट्रिक पास हो और हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो और हैवी मोटर व्हीकल चलाने का 1 साल का एक्सपीरियंस हो। जूनियर स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए बीएससी नर्सिंग किया हो आपने या 12वीं साइंस से किया हो और 3 साल का डिप्लोमा हो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में 50% मार्क्स के साथ, एससी, एसटी और पीएच के लिए यह 40% मार्क्स है और आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री हो फार्मेसी में या आपने 12वीं साइंस से किया हो और डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हो 50% मार्क्स के साथ, एससी, एसटी और पीएच के लिए 40% मार्क्स है और आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आगे हम एज लिमिट की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 28 साल है। रिजर्व्ड कैटेगरी को यहाँ पर उपयुक्त एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसकी डिटेल आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम फीस की बात करें तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी बॉयलर ऑपरेशन, फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर और माइनिंग मेट पोस्ट के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस 150 रुपए है। बाकी सारे पोस्ट के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस 250 रुपए है। सभी पोस्ट के लिए एससी, एसटी, पीएच और ईएसएम के लिए कोई फीस नहीं है। आगे हम सैलरी की बात करें तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी बॉयलर, माइनिंग मेट, फायरमैन कम ड्राइवर पोस्ट का वेतन स्तर S1 है, जिसकी सैलरी 15,830 रुपए से 22,150 रुपए के बीच है। बाकी सारे पोस्ट का वेतन स्तर S3 है, जिसकी सैलरी 16,800 रुपए से
24,110 रुपए के बीच है। आगे हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो अप्लाई कर सकते हैं आप 26 अक्टूबर 2019 से 15 नवंबर 2019 के बीच। फीस पेमेंट होगा आपका 26 अक्टूबर 2019 से 15 नवंबर 2019 के बीच। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, एग्जाम का भी डेट बाद में डिक्लेयर होगा। आगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग स्किल टेस्ट, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट आपका MCQ फॉर्मेट में होगा और जो ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करेंगे उनका स्किल टेस्ट होगा। फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर पोस्ट के लिए फिजिकल एबिलिटी टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका ऑनलाइन एग्जाम और स्किल टेस्ट और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे बनेगा। स्किल टेस्ट और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट की डिटेल जानने के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो दोस्तों, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल जॉब सड्डा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।